Hi everyone, welcome to JKSSB 614 YouTube channel. सो so, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने जम्मू एंड कश्मीर जीके के ऊपर यहाँ पे एक सीरीज चलाई है एम सी क्यूज की यो यहाँ पे जेके एस एस बी ने यहाँ पे रिसेंटली पिछले टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं सो यहाँ पे आज मैं फिर से यहाँ पे एक सेट नंबर टू लेके आया हूँ जिसके अंदर आपके बीस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपके नंबर्स देखते हैं कि आप कितने कितने मार्क्स यहाँ पे सेक्योर करते हो सो so, पिछली वीडियो के अंदर यहाँ पे ये क्वेश्चन के आंसर यू आप बोल रहे हो कि गलत हैं मैंने भी देखे हैं बिल्कुल सही आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो आपका एक हैमिश नेशनल पार्क है वो यहाँ पे आपका कहाँ पे है वो लद्दाख के अंदर है बट एक्चुअल जो जे के एस एस पी ने यहाँ पे आंसर्स दिए अपने मैंने वो ही शेयर किए हैं आपके साथ और अपने से मैंने कोई भी यहाँ पे उसके साथ गड़बड़ी नहीं की है इवन कि मेरे पास पेपर पड़ा है मैं आपके पास पूरा पी डी एफ दे, दे दूँगा आपको ठीक है आप चेक कर सकते हो बट अगर एक्चुअल में, में देखा जाए तो ये हेमिस नेशनल पार्क है वो आपका यहाँ पर लद्दाख के अंदर ही है वो वो आपका नेशनल पार्क यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं है सो so, आज जो वीडियो है इसके अंदर आपके पास कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगी जो भी मिस्टेक्स है वो मैंने यहाँ पे बिल्कुल ठीक कर दी है यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के अंदर जो भी यहाँ पे जेके एस एस यहाँ पे गलत आंसर दिए थे बट मैंने अपनी तरफ से पूरे आंसर ठीक किए हुए हैं so, सो आज के अंदर वीडियो के अंदर आपको काफी मजा आने वाला है और अपने अपने स्कोर्स जो है ना वो शेयर कर देना ठीक है सो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ फॉलिंग लेक इज़ कनेक्टेड टू कुशहाल सार एंड लेक्स बाया ए चैनल नाउन एज नला अमीर खान तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यहां पे जूनियर सुपरवाइजर के अंदर सो so, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज नागिन लेक ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right आंसर हो जाएगा इट सभी का आंसर ठीक है नागिन लेक सेकंड क्वेश्चन डैश इज ए फॉर्म ऑफ थिएटर डांस परफॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर कौन सा इनमें से थिएटर डांस है जो परफॉर्म्ड होता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दैट इज ऑप्शन नंबर आपका ए बी सी और डी आपके पास है सो द राइट आंसर इज यहाँ पे बंद पत्थर दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right आंसर है बिल्कुल आप सबका राइट आंसर बंद पत्थर ये एक किस्म की आपके लिए रिवीजन वीडियो ही होगी जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया और उनको ये पता नहीं पता नहीं है कि जेके एस कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये सी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं विच आर फॉलोइंग इज द मेन मटीरियल फॉर नमदा मेकिंग इन कश्मीर नमदा मेकिंग इन कश्मीर के लिए यहाँ पे कौन सा मटेरियल यहाँ पे यूज़ करते हैं सो द राइट आंसर इज वुल ऑफ शीप ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर फोर्थ इन विच ईयर चनैनी नशेरी टनल इन जम्मू एंड कश्मीर वाज ओपन जो यहाँ पे चनैनी नशेरी टनल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ओपन कब हुई थी सो द राइट आंसर इज़ ट्वेंटी सेवनटीन आंसर हो जाएगा दो हज़ार सतारह के अंदर अगर इसकी बात करो कंस्ट्रक्शन की सो so इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो दो हज़ार ग्यारह के अंदर यहाँ पे शुरू हुई थी और यहाँ पे दो हज़ार सतारह के अंदर इसको ओपन कर दिया गया था विच ऑफ़ फॉलिंग प्लेस इज कॉल्ड कश्मीरी विनिन्स या आप बोल सकते हो विनिनस ऑफ द ईस्ट या आप इसको बोल सकते हो विनस ऑफ द ईस्ट सो कौन सी यहाँ पे जगह को हम बोलते हैं विनन्स ऑफ ईस्ट या कश्मीरी विनिश्स पुणे जम्मू डोडा और श्रीनगर सो द राइट आंसर इस श्रीनगर ऑप्शन नंबर डी इसका कोेक्ट आंसर हो जाएगा गुड आप सबको यहाँ पे रिवीजन ही है मुझे पता है आप सबको ये क्वेश्चंस आते हैं देखते हैं आप कितने स्कोर्स पे कर पाओगे लास्ट तक विच ऑफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ स्टेपल क्रॉप ठीक है पिछली जो वीडियोस के अंदर यहाँ पे स्प्रिंग क्रॉप पूछ लिया था जम्मू का इस बार यहाँ पे पूछ लिया उन्होंने स्टेपल क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे आप बात करोगे कि यो क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट इज आप बोलोगे यहाँ पेफरन तो यहां पे मैं बात करता हूं उससे पहले स्टेपल क्रॉप आती है जम्मू एंड कश्मीर की दैट इज राइस देन उसके बाद सेकेंड आते यहां पे मेज आती है ठीक है मेज आ जाएगी यहां पे स्टेपल क्रॉप फिर आपके पास स्प्रिंग क्रॉप आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था क्वेश्चन नंबर सेवन हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल इन कश्मीर ठीक है जिसको आप मारतंद सन टेम्पल भी बोल सकते हो यहाँ पे मारतंद सन टेम्पल इन कश्मीर सो ये किसने बिल्ट किया था यहां पर सो so, यहाँ पे जल्दी से जल्दी आंसर कर दो अपने दैट इज ए आंसर ललित आदित्य मुक्तापीडिया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट कश्मीर रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट जो जम्मू एंड कश्मीर का है ठीक है रीजन इनमें कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी सो so, इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यहाँ पे मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन ओके राज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नाउन एज यो राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका दूसरा नाम से कौन सा जानते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी सो ये आप सबको पता होगा यहाँ पे दक्षम लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम यहाँ पे राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन डैश इज़ ए फेमस कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सो इसका जल्दी से जल्दी आंसर कर दो यहाँ पे मैं यहाँ पे वेट करता हूँ तुम लोगों का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे एग्जाम के लिए ठीक है इसको आप मार्क सक, मार्क कर सकते हो कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी सो जल्दी से जल्दी बताओ कि कौन सा यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व है लोकेटेड होता है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगर मैं बात करता हूँ अजाज़ की तो ये आपका बंदीपोरा के अंदर है सो ये कहाँ पे है बंदीपोरा के अंदर नागर अगर बात करता हूँ नागर की तो ये ये तुम्हारा कहाँ पे है ये बारामुल्ला के अंदर है तुम्हारे पास ये कहाँ पे हैं बारामला के अंदर अगले एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ना ये वाले सो ये भी तुमसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। अगर वंगात की मैं बात करूँ तो ये है गंदरबल के अंदर ठीक है ये कहाँ पे गंदरबल सो ये भी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नोटिस कर सकते हो इसको ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवंथ हाउ मनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहाँ पे कितने नेशनल पार्क्स हैं एक्चुअल जेके एस ने इसका आंसर यहाँ पे फाइव मेंशन किया है बट एक्चुअल देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अब यहाँ पे फोर नेशनल पार्क्स है यहाँ पे ठीक है एक्चुअली जेके एस ने क्या की थी वो पिछले ही क्वेश्चन उठाते जा रहा था और उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है उसने ये मेंशन किया है जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे उसने यूटी मेंशन मैंशन नहीं की ठीक है उसने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक है यहाँ पे यू तो यहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो यू आएगा तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे फोर ही होना चाहिए ठीक है अगर वो ऐसे बिना यूटी के पूछ रहा है तो उसने अपने बिना यूटी टी का मतलब स्टेट वाला पूछ रहा है तो उसने यहाँ से मार्क कर दिया था यहाँ पे फाइव अब मुझे नहीं पता फाइव क्यों किया है ठीक है मैं ऐसे अपने से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो व्यू है वो रख रहा हूँ यहाँ पे अगर यूटी है देन इट इज़ फोर अगर बिना यूटी है दैट इज़ वो स्टेट का पूछ रहा था या पहले का तो फिर आपका फाइव आंसर हो सकता है ठीक है और वही वो, वो हैमीस नेशनल पार्क वाला पूछा था उसने जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे यूटी टी यहाँ पे शो नहीं किया था बस उसने यहाँ पे क्या जम्मू एंड कश्मीर लिखा था तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे मुझे ए, यहाँ पे लगा कि शायद जेके एस एस ने यही कर रहा होगा कि यू टी लिखा होगा तो या दैट इज आपका फोर आंसर अगर यू टी ना हो दैट इज आपका फाइव आंसर उसने मार्क किया है बट आपका यहाँ पे फोर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉट इट लग गया पता समझ आना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ विच ऑफ फॉलोइंग इज द कॉमन हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर देखो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर की यहाँ पे एक कॉमन हाई कोर्ट है दैट इज आपका यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही इसने यहाँ पे बता दिया था कि कॉमन हाई कोर्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का दैट इज ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हाई कोर्ट है जम्मू और कश्मीर यही कॉमन हाई कोर्ट है ठीक है जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट है तो हमारी पंजाब और हरियाणा की है वहाँ पे तो वैसे ही यहाँ पे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर की एक कॉमन हाई कोर्ट है दैट इज़ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन विच मंथ ऑफ द वैसाखी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यह वैसाखी फेस्टिवल है कौन से मंथ के अंदर मनाया जाता है सो ये वैसाखी फेस्टिवल जब भी आएगा वर्ड तो वहां पर याद रखना एक अप्रैल मंथ जलियाँ वाला वाग आपको पता है ना ऑन वैसाखी डे थर्टीनथ अप्रैल ठीक है थर्टीनथ अप्रैल को यहाँ पे जलियाँ वाला वाग का इंसिडेंस हुआ था उन्नीस सौ के अंदर तो वही चीज डेट याद रखना थर्टीथ अप्रैल को यहाँ पे मनाया जाता है तो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही कब मनाया जाएगा अप्रैल मंथ के अंदर ही मनाया जाएगा सो लग गया पता अगर सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सीरीज़ को यहाँ पे लाइक ज़रूर करें यहाँ पे और वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हु अमंग द फॉलोइंग लीडर इज़ नाउन एज बादशाह खान इन में से कौन सा लीडर है जिसको हम नाम दिया है यहाँ पे बादशाह खान का यहाँ पे बोलते हैं हम ठीक है दादा भाई नरोजी महात्मा गांधी राजा राम मोहन राय या खान अब्दुल जाफर खान सो so यहाँ पर इसका राइट right आंसर हो जाएगा खान अब्दुल जाफ़र खान सो so खान अब्दुल जाफर खान को हम एक और नाम से जानते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आंसर पक्का दे अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन नेशनल हाईवे वे फोर्टी फोर रन फ्राम श्रीनगर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू जो नेशनल हाईवे वे फोर्टी फोर है ये कहाँ पर रन करता है श्रीनगर ठीक है जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर से लेके कहाँ तक सो so, ये आप सबको पता है यहाँ पे नेशनल हाईवे वे एन एच फोटी फोर जो है ये आपका श्रीनगर से, से कन्याकुमारी का है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right आंसर हो जाएगा

इन विच ईयर आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टार्टर द पंचायती राज सिस्टम को आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज सिस्टम जो है वो यहाँ पे कब अडोप्ट किया था कब स्टार्ट किया था तो ये आपको पता होना चाहिए सो ये पंचायती राज सिस्टम की बात करूँ तो ये आपकी फर्स्ट स्टेट थी फर्स्ट स्टेट थी दैट इज वो थी राजस्थान ठीक है राजस्थान और इसने किया था सेकेंड ऑफ अक्टूबर 1959 को और जो सेकेंड यहाँ पे स्टेट थी दैट इज आंध्र प्रदेश ठीक है सेकंड आपकी आंध्र प्रदेश थी इसने किया था एलेवंथ अक्टूबर 1959 को किया था ठीक है और यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आपको नाम देना फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सी थी ठीक है और वो कब यहाँ पे बनी थी लिंग्विस्टिक स्टेट सो so, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे कब स्टार्ट किया था पंचायती राज सिस्टम 1959 को ही किया था अगर डेट पूरी पूछ ले तो इलेवंथ अक्टूबर और ये फर्स्ट पूछे तो राजस्थान सेकेंड अक्टूबर 1959 क्वेश्चन नंबर 18 द रिवर इंडस ड्रेन इनटू जो रिवर इंडस जो है ये कहाँ पे बहती है लास्ट में जाके ठीक है जैसे यहाँ पे मैप है यहाँ पे आपका आपको पता है एक रेबिन सी है और यहाँ पे इस वाली साइड जो है वो बे ऑफ बंगाल है ठीक है बिहार बंगाल और यहाँ पे अरेबियन सी है सो so, ये मुझे ये बताना है जो रिवर इंडस है वो कहाँ पे बहती है सो द राइट आंसर इज अरेबियन सी तो अरेबियन सी इस वाली साइड यहाँ पे ठीक है वेस्टर्न साइड सेवनटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ए डैश टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन एवरी स्टेट ठीक है हर एक स्टेट के अंदर पंचायती राज होना चाहिए कौन सी अमेंडमेंट ठीक है सेवनटी थर्ड अमेंडमेंट के अंदर ये बताया गया था ठीक है और कितने टायर होने चाहिए कि हर एक स्टेट के अंदर कितने टायर यहाँ पे अडॉप्ट करेगी सो द राइट आंसर ये आप सबको पता है यहाँ पे थ्री टायर सिस्टम था ठीक है थ्री टायर सिस्टम ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज वर्ल्ड फेमस डल लेक इज़ लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डल लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है सिंपल लैंग्वेज है तुम सबको पता है ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग जब से जे के एस एस बी की तैयारी कर रहे होंगे तो ये आप सबको पता होगा इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर दैट इज़ आपका श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है अब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना कि हु बिल्ट श्रीनगर सिटी ठीक है हु बिल्ट श्रीनगर सिटी श्रीनगर सिटी को किसने बनाया था ठीक है बस ये आपका यहाँ पे होमवर्क है अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है और अगर कोई आज की वीडियो के अंदर कोई मैंने गलत आंसर दिया है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी बट हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं कि आपको यहाँ पे अच्छी नॉलेज दी जाए कोई भी यहाँ पे मिस गाइड आपको ना किया जाए ठीक है सो अगर यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और यहाँ पे अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ ये जे के एस एस बी सिक्स वन फोर को और अभी तक जिन्होंने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया वो प्ले स्टोर में जाए और वहाँ पे सर्च करें यहाँ पे जे के एस एस बी डा सिक्स वन फोर देन उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद साइनअप करें और यहाँ पे जितने भी हो आपके यहाँ पे इस सीरीज़ के पी डी एफ्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे साथ साथ ठीक है थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे